गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम घर की याद कविता के पांच काव्यांश कर चुके हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले काव्यांश। पंक्तियां ध्यान से सुनेंगे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि जेल में है, कवि के माता पिता कवि की याद में कितने दुखी होंगे, उनकी एक एक बात और पीड़ा कवि महसूस कर रहा है। घर से दूर जेल में बैठा कवि घर को याद करता हुआ कहता है कि घर में चार भाई चार बहनें, पर बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जो बच्चा वहाँ नहीं है या कष्ट में है, माता पिता उसको याद करते हैं, और बड़े मजबूत पिता भी अपने प्रिय पुत्र को याद करते हुए भावुक हो उठते हैं। उन्हें आंसू बहाते देख सदा भावुक रहने वाली माँ पिता को समझाते हुए कहती है कि आँख में पानी लाने की आवश्यकता नहीं, आपका बेटा भवानी वहाँ अच्छा है, आपके सुझाए हुए रास्ते को अपना उद्देश्य बनाकर गया है, उसने आपका मान बढ़ाया है, यही वह देश के प्रति अपने कर्तव्य से पीछे हटता तो मेरे लिए मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती। कवि कल्पना कर रहा है कि उसकी अनुपस्थिति में उसके माता पिता उसे कैसे याद करते होंगे, उसके द्वारा देश सेवा में जेल जाने को वे गर्व की बात मानते हैं। माता पिता को भावुक होने से रोकते हुए माँ जो है कहती होगी कि इस प्रकार यदि आप रोएंगे तो दूसरे बच्चे भी रो पड़ेंगे। कवि की याद में घर का एक एक कोना और प्रत्येक सदस्य का एक एक हाव भाव साकार होकर प्रस्तुत कविता में काव्यांश में व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट काव्यांश। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। कवि याद करता है कि रोते हुए पिता को माँ समझाती होगी कि आप ऐसा कच्चा मन मत कीजिए, अन्यथा सभी बच्चे रो पड़ेंगे। यह सुनकर पिताजी अपनी भावुकता छिपाने का यत्न करते हुए कहते हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। पिताजी की भावनाओं को समझकर कवि का हृदय फट रहा है। वह सोच रहा है, हाय मेरे स्नेही पिता ने कितनी मुश्किल से पुत्र का वियोग सहा होगा, और कैसे अपने आप को झुठलाते हुए कहा होगा कि मैं तो रो नहीं रहा, नहीं मैं धीरज खो रहा हूँ। पुत्र वियोग में पिता को ऐसी छटपटाहट में देखकर कवि सावन से निवेदन करता है कि हे सजीले सुंदर हरियाली से भरपूर सावन, तुम बरस लो, तुम वर्षा करो, पर मेरे पिताजी की आंखों से जल न बरसे। हे सावन, तुम ऐसा कुछ करो कि मेरे पिताजी के नेत्रों से अश्रुधारा न बहे। कवि का चित्रण इतनी सजीवता लिए हुए है कि राम के वियोग में दशरथ का दृश्य साकार हो उठता है। सावन से निवेदन, कालिदास के मेघदूत का स्मरण हमें या आता है। नेक्स्ट काव्यांश। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि सावन से कहता है कि मेरे माता पिता से कहना कि मैं मस्त हूँ, खुश हूँ, यहाँ सब सुख है, केवल एक ही बात का दुख है कि मैं घर पर नहीं हूँ, इसके अलावा यहाँ सब अच्छा। सावन से यह कहकर कवि मन ही मन स्वयं से बात करता है कि बस यह बस कोई मामूली बात नहीं, इस पर किसी का बस नहीं, इस घर से दूर रहने की बात ने मेरा जीवन रसहीन कर दिया। यहाँ भाव यह है कि घर का वियोग कवि के लिए असहनीय हो रहा है, वह घर से दूर दुख से भरा है,
लेकिन हे सावन, यह बात तुम मेरे माता पिता से मत कहना, उन्हें सदा धैर्य बंधाते रहना। उनसे कहना मैं तो लिखता पढ़ता रहता हूँ, ऐसे काम करता हूँ कि उनका नाम हो, जेल में भी सब मुझे चाहते हैं। मेरे माता पिता को किसी भी प्रकार का शोक एवं निराशा न हो, ऐसा ही कुछ उपाय करना। भावार्थ है कि कवि स्वयं अनेक कष्ट सहन करके भी अपने माता पिता से अपने कष्टों को छिपा कर रखना चाहता है, उन्हें केवल खुशियों की सूचना देना चाहता है। सारे कष्ट पीड़ा यातनाएं स्वयं ही झेल जाना चाहता है। बहुधा जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं उनसे कष्ट छिपाते हैं, खुशी बताते हैं, पर होता यह है कि वे बिना बताए हमारी पीड़ा जान लेते हैं। कवि अपने माता पिता की भावनाओं को समझता है और चाहता है कि उन्हें कोई कष्ट न हो। नेक्स्ट काव्यांश, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ यों न कहना अस्त हूँ मैं। कवि सावन से कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता से कहना कि यहाँ मैं खुश हूँ, दिन रात सूत कातने में व्यस्त रहता हूँ, जरा भी कष्ट नहीं, मेरा वजन 70 सिर हो गया है, मैं प्रतिदिन ढेर सारा भोजन करता हूँ, खूब मस्ती से कूदता हूँ, खेलता हूँ, आनंद से रहता हूँ, मुझे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, यही सब कुछ मेरे माता पिता को बताना। हे सावन, ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ अर्थात दुखी हूँ निराश हूँ। भावार्थ यही है कि कवि अपने जेल प्रवास की यातनाओं को छिपा कर रखना चाहता है। यदि उसके दुखों की जानकारी उसके माता पिता को मिल गई तो वो परेशान होंगे। कवि चुपचाप कष्ट सहन करके माता पिता के पास केवल अपनी खुशी की सूचना भेजना चाहता है, इसलिए वह अपने संदेशवाहक सावन से कहता है कि मैं अस्त निराश पस्त एवं परेशान हूँ, रोता हूँ, यह बात मेरे माता पिता से मत कहना। नेक्स्ट काव्यांश, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवें को वे न तरसे। कवि सावन को संबोधित करते हुए अंत में कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता को मेरे कुशल मंगल का ही समाचार देना, लेकिन उनको वास्तविक स्थिति मत बताना। ये मत जाकर कहना कि मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, दुखों के कारण मुझे नींद नहीं आती, अब तो मैं इतने दुखों और पीड़ाओं को झेल चुका हूँ कि मुझे आदमी को देख कर डर लगने लगता है और मैं किसी भी आदमी का सामना नहीं कर सकता। हे सावन, तुम मेरे माता पिता को ये मत बताना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, अब तो मुझे अपना परिचय का भी नहीं पता, मानसिक यात्राओं के कारण मैं अपने आप को भी भूलने लगा हूँ। कवि सावन से दृढ़ता पूर्वक कहता है कि वह मेरे माता पिता के सामने जाकर उसकी असलियत न बताए और वह इस प्रकार से अपनी बात रखे कि उनके मन में किसी प्रकार का शक पैदा ना हो, उन्हें यह पता न चले कि उन्हें झूठ बोला जा रहा है। मेरे घर जाकर मेरी खुशी की सब बातें बताना, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे माता पिता मुझे याद करके आंसू न बहाएं। अंत में कवि कहता है कि हे हरे भरे सावन, तुम बड़े पावन और स्वरूप वाले हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर जाकर खूब वर्षा करो। पांचवें बेटे को के वियोग में मेरे माता पिता दुखी न हो, भले ही तुम जाकर बरसो पर मेरे माता पिता आंसू न बरसाएं। अतः कवि अपने घर परिवार का वियोग सहन नहीं कर पा रहा है, मगर वह यह भी नहीं चाहता कि उसके परिवार वाले दुखी हों। बच्चों, आज का होमवर्क है कि जितने काव्यांश हम सारे कर चुके हैं आप उनकी व्याख्या का अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में। थैंक यू।